आइए बात करते हैं आदिवासी सेंगल अभियान द्वारा डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किए जाने की। आदिवासी ग्रामीण समाज में जनतांत्रिक व्यवस्था लागू कराने एवं समाज के आम लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान ने जमशेदपुर में डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। आदिवासी सेंगल अभियान आदिवासी समुदाय की परंपरागत स्वशासन व्यवस्था की खामियों में सुधार एवं उसे अनुवंशिक के स्थान पर जनतांत्रिक बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चला रहा है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने बुधवार को देश के 5 राज्यों के जिला मुख्यालयों पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसी के तहत जमशेदपुर में भी आदिवासी सेंगल अभियान के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय संयोजक विमू मुर्मू के नेतृत्व में डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस अवसर पर उपायुक्त को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें आदिवासी गांव समाज में जनतांत्रिक व्यवस्था लागू कराने, परंपरागत स्थानीय वंशानुगत मांझी परगना जैसी व्यवस्थाओं को खत्म कर जनतांत्रिक व्यवस्था लागू कराने, इनके द्वारा सामाजिक बहिष्कार दंडित करने जैसी परंपराओं एवं डायन शिकार जैसी कुप्रथाओं को रोककर लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करने की मांग की गई है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय संयोजक विमू मुर्मू ने बताया कि इन परंपरागत प्रथाओं की खामियों के चलते आदिवासी समाज का विकास नहीं हो रहा है एवं समाज में लोगों के मानवाधिकार भी सुरक्षित नहीं है। संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के नेतृत्व में 5 राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन हो रहा है और हमारा मांग है कि जो आदिवासी समाज में ये अभी तक जो वंश अनुगत वंश परंपरा ही चल रहा है तो इसमें जनतांत्रिकरण होना चाहिए और आदिवासी समाज में ये जो जबरदस्ती जो है डायन परतना और जबरदस्ती जो बहिष्कार किया जा रहा है ये भी अभी बंद हो जाना चाहिए और हमारा अभी मांग है कि ये जो आदिवासी समाज में ये माझी परगना ये पियकड़ है अनपढ़ है लेकिन ये गांव का अभी हेड बना हुआ है लेकिन इसीलिए जो है डायन परतना इत्यादि जो है इन्हीं के द्वारा पहल किया जाता है। तो हमारा मांग है आदिवासी संगल अभियान की तरफ से कि हमारा जो हमारा माझी परगना श्वसन व्यवस्था जो है ये जनतंत्रीकरण हो और ये समाज में संविधान कानून लागू हो, जबकि देश में संविधान लागू है लेकिन हमारा समाज में अभी तक संविधान कानून लागू नहीं है। माझी परगना लोग जबरदस्ती जो है दंडित करता है, बहिष्कार करता है, तो ये सब बंद होना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग जिला प्रशासन, हम लोग उपायुक्त महोदय को हम लोग ज्ञापन देने वाले हैं। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।